हेलो ड्यून, तो आज मैं आपको बताऊंगा टीपीएमएस के बारे में। काफी सारी जो महंगी गाड़ियां आती है उसमें इनबिल्ट टीपीएमएस होता है, बट काफी सारी जो लाइक बिलो 20 लाख की कार्स हो गई है, काफी सारी ऐसी गाड़ी है जिनमें टीपीएमएस नहीं होता, तो वो आपको अलग से इंस्टॉल करवानी पड़ती है। टीपीएमएस का बेसिकली काम ये होता है कि अगर गाड़ी में प्रेशर कम है या फिर ज्यादा है तो आपको रेगुलर बेसिस पे इन्फॉर्म करता रहता है डिवाइस की मदद से। और कुछ दो टाइप के टीपीएमएस होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल टीपीएमएस, एक होता है इंटरनल टीपीएमएस। तो इंटरनल टीपीएमएस होते हैं जो अलॉय व्हील्स के अंदर लगती है, और जो एक्सटर्नल टीपीएमएस होता है वो जनरली आप देखोगे व्हील के बाहर ही वो इंस्टॉल होता है। बट उसका प्रॉब्लम ये है कि उसमें वो चोरी हो सकता है, क्योंकि वो जब आप इजिली लगा सकते हैं वो कोई भी इजिली निकाल के ले भी जा सकता है। तो हम आपको दिखाएंगे कि इंटरनल टीपीएमएस कैसा होता है और उसे फिट करना कितना ईजी है। आप ये खुद से तो नहीं कर पाओगे, बट आप किसी भी गैराज में आते हो तो वहाँ पे आपको वो इजिली करके दिखा देंगे। तो चलिए देखते हैं वो होता कैसा है और उसे फिट कैसे करते हैं। तो ये अभी आप इनके हाथ में देख रहे हो, ये टीपीएमएस जो कि इंटरनल अलॉय व्हील में लगा है, सेंसर है। सेंसर हाँ, इसको लगाया जाएगा इसमें। हाँ, इसमें ये लगाने से आपको फायदा होता है, जैसे गाड़ी हाईवे पे चला रहे हो। हाँ, कई बार हवा कम हो जाता है, आप लोगों को पता नहीं चलता कितने हाँ, आदमी का हवा कम हो गया है। हाँ, इसमें हवा कम होगा पता चल जाएगा आपको, जो हवा कम है मेरे टायर में हवा कम हो गया है, कौन सा टायर में हुआ वो भी बता देगा, कितना हवा होना चाहिए वो भी दिखाएगा, पंचर होगा वो भी दिखाता है। इसमें आपका ये फायदा होता है, कितने आदमी को पता नहीं रहता मेरा गाड़ी पंचर है। हाँ, गाड़ी चलाते हाईवे पे पता नहीं रहता है, इसमें ये पता चल जाता है आपका टायर पंचर हो गया, पति दिखा देता है। तो इसका ऐप भी होता होगा? हाँ, गाड़ी में आता हूँ। इंफोटेनमेंट सिस्टम में इनबिल्ट होता है, कोई भी व्हील में प्रॉब्लम हुई तो आपको वो इंडिकेट हो जाएगा इंफोटेनमेंट सिस्टम। आपका टायर पंचर हो गया, इसमें स्टेपनी चेंज कर लो अगर करना चाहते हो, तो कितना दिन पंचर पे चला देते पता नहीं रहता मेरा टायर पंचर हुआ है। इसमें ये फायदा होता है, जब टायर पंचर होती है आपको डिस्प्ले में आ जाता है भैया आपका टायर पंचर हो गया, भाई हवा कम, जो हवा भराइए भाई एयर प्रेशर जो भी चेक कराना चेक कराइए। तो वही ये देखिए, अगर बाद में खर्चा ज्यादा ना हो इसलिए आप जो छोटा सा जो इन्वेस्टमेंट है वो आप पहले ही कर लो, कि बाद में आपको परेशानी ना हो, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम आपको इंडिकेशन मिलता रहेगा आपका टायर हेल्दी है या नहीं। इसलिए टीपीएमएस काफी आज जरूरत है जो आपको लगा। टायर खराब होने से भी बचत होता है। हाँ, जब हमारा टायर खराब नहीं होगा, पंचर होता था कितना दिन पंचर पे चला देता पता नहीं चलता। हाँ, जब मेरा टायर पंचर है, इसमें पंचर होते पता चल जाएगा, जब मेरा टायर पंचर हो गया कौन सा टायर पंचर हुआ बिल वो भी दिखा देगा, राइट लेफ्ट फ्रंट लेफ्ट।